पोकेमोन गो की जो पिज्जा वाला वर्जन है उसमें हम लोग किस तरह से ऑटो वॉक कर सकते हैं, ऑटो वॉक करने से हमें ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे एग हैच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आखिर हम कैसे कर सकते हैं पोकेमोन गो के पिज्जा वाले वर्जन में, तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑटो वॉक करने से आपको जैसे हर अपने पोकेमोन्स की कैंडीज को कलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर एग को हैच कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ रिवॉर्ड्स भी मिलता है। जैसे अभी मैंने 5 किलोमीटर चल चुका हूँ, अगर मैं टोटल 50 किलोमीटर वॉक कंप्लीट कर लूँ फिर मुझे ढेर सारे अलग अलग तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ढेर सारे पोकेमोन्स मिलेंगे, ढेर सारा एक्सपी भी मिलेगा और ढेर सारे पोशंस और बेरीज भी मिलेंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आपने 50 किलोमीटर वॉक कंप्लीट कर लिया। तो इस टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पीजी साहब को मैप में जाना होगा, कोई भी एक लंबा सा लॉन्ग डिस्टेंस आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर आपको वॉक में प्रेस कर देना होगा। वॉक में प्रेस करने के बाद आपको अपने स्पीड में ध्यान देना है। जैसे मेरा स्पीड अभी 9.3 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से आपको 10 किलोमीटर के अंडर रखना होगा अपने स्पीड को। फिर आपको वेट करना है जब तक आपका कैरेक्टर पूरी तरह से वॉक को कंप्लीट कर लेता है। फिर जैसे वॉक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगा, फिर आपको आपके टास्क भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग अपने सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई पोकेमोन का कैंडीज कलेक्ट करने वाला कोई टास्क है, तो आप लोग आसानी से ऑटो वॉक के थ्रू ढेर सारे कैंडीज को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी 3 किलोमीटर सेलेक्ट किया। अगर कोई इससे भी लंबा सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, 41 किलोमीटर ये वॉक कर लेगा आसानी से। आपको बस उस लोकेशन को सेलेक्ट करें, वहाँ वॉक में प्रेस कर देना, ये कैरेक्टर अपने आप वॉक करके वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन आपको स्पीड में ध्यान देना, आपको स्पीड को 10 किलोमीटर के अंडर ही रखना है, वरना वो वॉक काउंट नहीं होगा। फिर अगर आपका स्पीड हद से ज़्यादा रहा तो फिर उस वॉक को काउंट नहीं किया जाएगा, फिर आपका जितना मेहनत करेंगे वो सारा वेस्ट हो जाएगा। आपको बस अपने स्पीड को 10 किलोमीटर के अंडर ही रखना है, तभी आपके कैरेक्टर का पूरा वॉक काउंट किया जाएगा। बस यही बेसिक सा रूल है ऑटो वॉक के लिए। पीजी साहब का वर्जन में हमें सारे फीचर्स इनबिल्ट मिल जाते हैं, इसमें ऑटो वॉक का भी बहुत सारे हमें फीचर्स मिल जाते हैं। तो पीजी साहब काफ़ी अच्छा ऐप है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इस ऑटो वॉक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, पोकेमोन गो उसके फेक जीपीएस से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर चल जाइए। और मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली। और इस ऑटो वॉक में आपको एक और फीचर मिलता है, जब भी आप लोग 9.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर वॉक करेंगे, तो आप लोग रास्ते में जितना आपको पोक स्टॉप मिल रहा है उसे स्पिन कर सकते हैं, रास्ते में जितना भी आपको पोकेमोन मिल रहा है उसे कैच भी कर सकते हैं। पहले अगर हाई स्पीड में रहेगा तो वो सारे पोकेमोन डिसअपीयर हो जाते हैं, किसी पोक स्टॉप को भी स्पिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस स्पीड में आपको पोक स्टॉप भी स्पिन कर सकते हैं, पोकेमोन को भी कैच कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ऑटो वॉक के फीचर बारे में पता चल जाए।